आपके साथ मैं हूँ मानसी राठौर। शुक्रवार को घर से लापता हुए दो छात्र की अंबर नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एसटीआरएफ टीम की रेस्क्यू के बाद दोनों शवों को ढूंढ निकाला है। जानकारी के अनुसार ग्राम राला निवासी दो लड़के विशाल पवार एवं नवनीत व्यास, जिनकी उम्र लगभग 15 साल है, शुक्रवार 11 बजे से घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। वहीं परिजनों द्वारा दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट नसरुल्लागंज थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस को विवेचना के दौरान पता चला कि दोनों बच्चों के कपड़े व जूते नदी किनारे पड़े हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू कर दोनों बच्चों के शवों को निकाला। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि मेरा भाई कल 11 बजे घर से पैसे लेकर अपने दोस्त के साथ फूल लेने के लिए गया था, लेकिन वह शाम तक नहीं लौटा, जिसकी सूचना नसरुल्लागंज थाने में दी गई। आज सुबह तलाशी के दौरान उसके कपड़े नदी किनारे मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों के शव को नदी से निकाला। तो थाने में सूचना मिलने पर उनकी गुमशुदगी कायम की गई और 363 आईपीसी में अपराध भी कायम किया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि बच्चों के कपड़े अंबर नदी के किनारे पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा है। सूचना पर तत्काल गोताखोर टीम से लोकल जो हमारे पास उपलब्ध थे उनसे उनकी तलाश कराई गई। साथ में सीहोर से भी गोताखोर का दल पहुंचा। रात में काफ़ी तलाश की गई, लेकिन अंधेरा होने से सफलता नहीं मिल पाई। आज प्रातः जो है सद्धारा पर दोनों बच्चों के शव बरामद हो गए हैं।